युवाओं तक नहीं है, युवाओं से हम लोग संवाद कर रहे हैं। उद्देश्य बिहार का उज्ज्वल भविष्य के निर्माण करना है, जिसमें सभी की सहभागिता है। युवाओं से विशेष रूप कर इसीलिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं, चूँकि युवा सकारात्मकता के स्रोत होते हैं, मन में कुछ नए विचारों के सृजन की क्षमता होती है, और आने वाला बिहार का जो भविष्य है युवाओं पर निर्भर करता है कि युवाओं की सोच किस दिशा में होगी। इसीलिए लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान में हम लोग बिहार की प्राचीन दृष्टि, जिसके कारण जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज की भांति सूचना का तंत्र नहीं था, तब हम अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सके, जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी ही, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना जब यूरोप ने नहीं की थी, तब हमारे यहाँ विक्रमशिला और नालंदा स्थापित थी। ऐसे लोग हम इसलिए थे क्योंकि हमारी सोच बड़ी थी। हम लोग भेदभाव से परे सोचने की परंपरा बिहार में बहुत पहले स्थापित कर चुके थे। वेदांत की भूमि थी जिसमें कोई भेदभाव था ही नहीं। आने वाले समय आप देखें तो हर दर्शन में, चाहे बौद्ध धर्म का दर्शन हो, जैन धर्म का दर्शन हो, तो भेदभाव नहीं मिलता। और जिस समाज में इस प्रकार के भाव जगते हैं, तो वहीं पर ऐसा संभव हुआ कि जिस काल में पूरे हर देश में, हर समाज में एक प्रकार के शासक वर्ग था, बिहार में हम पाते हैं कि सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति भी नंद वंश के रूप में शासक बन सके। वैशाली में हम लोग बिना किसी जाति के आधारित गणराजाओं का चयन करते थे, वो भी 7,707 गणराजाओं का इस पूरे उत्तर बिहार के क्षेत्र में। तो सोच थी वो परे सोचने वाली थी, कुछ नया करने वाली थी। आज लेकिन यदि बिहार को हम देखें तो हम पाते हैं हम लोग जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर आपस में संघर्ष करते हैं। और जिस समाज में इस प्रकार का संघर्ष जन्म लेता है, जो आगे बढ़ने की चिंतन छोड़कर आपस में उस प्रकार का संघर्ष करता है, तो उसमें हम आगे नहीं जाते हैं और पीछे ही जाते हैं। और यही कारण है कि शिक्षा और रोजगार में जिस बिहार की कल्पना हम लोग कर रहे हैं कि शिक्षा के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, नालंदा की भूमि, विक्रमशिला की भूमि पुनः उस गौरव को प्राप्त करे, और रोजगार के लिए किसी को बाहर नहीं पड़े, चंपा की भूमि जिसमें उद्यमिता ऐसी थी, प्राचीन पाटलिपुत्र की भूमि जिसमें व्यवसायी अपने उद्यमिता के लिए जाने जाते थे, उसमें आज की युवा पीढ़ी को यदि हम सामाजिक रूप से जागृत करें, प्रेरित करें, और ऐसे लोग जो समाज में सक्षम हैं उनको भी हम प्रेरित करें कि आप उनका सहयोग करें जो वंचित है। यही अभियान चल रहा है, एक सामाजिक अभियान है, शैक्षणिक अभियान है, सांस्कृतिक अभियान है, जिसमें हम लोग बिहार को पुनः जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छे लोगों से आह्वान कर इसलिए कर रहे हैं कि समाज को हानि दुर्जनों के दुष्कृतियों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता। तो हर जिले में हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोगों को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य एक ही है कि अपने जीवन काल में बिहार के गौरव को पुनः स्थापित करना, और उसके लिए हर संभव जो प्रयास हो सकता है उसको हम लोग कर रहे हैं।